वर्षों से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बाराबंकी का ऐतिहासिक मेला देवा मेला हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल है। देवा मेला जिसे कौमी एकता का महाकुंभ भी कहा जाता है, लखनऊ से मात्र 42 किलोमीटर दूर और अपने पुराने अवध क्षेत्र के हृदय में स्थित बाराबंकी जिला मुख्यालय से मात्र 12 किलोमीटर दूरी पर देवा कस्बा स्थित है और बाराबंकी के देवा शरीफ कस्बे को वारिस पाक की अपनी जन्म भूमि होने का गौरव प्राप्त है। सन 1809 में जन्मे हाजी वारिस अली शाह ने सन 1905 की साय काल आवाम को जो रब है वही राम है का संदेश दिया था। हाजी वारिस अली शाह अपने पिता की याद में हर साल उर्स का आयोजन करते थे जो बाद में देवा मेला के नाम से जाना गया। यहाँ हर साल सफर यानी कि चंद्र आधारित महीने में उनकी दरगाह पर उर्स आयोजित किया जाता था जिसे अब हम देवा मेला के नाम से भी जानते हैं। ये उर्स पूरे 10 दिनों तक चलता है और इसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस दौरान देवा शरीफ का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। हर तरफ बस रोशनी ही रोशनी। सभी हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर मेले का आयोजन करते हैं। कहते हैं यहाँ हाजी वारिस अली शाह ने अपनी अंतिम सांस ली और कहा कि जो रब है वही राम है। उन्होंने मानवता के लिए सार्वभौमिक प्रेम के अपने संदेश से लोगों की कई पीढ़ियों के जीवन को प्रभावित किया था। हाजी वारिस अली शाह 19वीं शताब्दी की पहली तिमाही में हुसैनी सैयदों के एक परिवार में जन्मे थे। उनके कार्यों को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय ने उन्हें उच्च सम्मान में रखा और उन्हें एक आदर्श सूफी और वेदांत का अनुयायी का दर्जा दिया। तब से लेकर अब तक हर साल सफर यानी कि चंद्र आधारित महीने में पवित्र कब्र पर पुण्यतिथि के दिन से मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए आज देवा मेला 2023 का शुभारंभ हुआ है और ये पूरे 10 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम इस दौरान ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और दरगाह शरीफ में बड़ी संख्या में देश विदेश से जायरीन आएंगे जो अपना यहाँ पे पूजा अर्चन करेंगे। मैं सभी जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ इस देवा मेले की और मैं सबका इस जनपद में आगमन के लिए स्वागत भी करता हूँ और आमंत्रित भी करता हूँ। बहुत धन्यवाद। इस दौरान एक बड़ा मवेशी बाजार मेले का मुख्य आकर्षण बनता है। मेले में अच्छी विविधता लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें ऑल इंडिया मुशायरा, कवि सम्मेलन, संगीत सम्मेलन, मानस सम्मेलन, सिरतून, नबी इत्यादि शामिल है। खेल प्रेमी लोगों को हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स इत्यादि जैसी आयोजन स्पर्धाओं में बहुत आनंद मिलता है। सैकड़ों चमकीले ढंग से प्रकाशित और सजाई हुई दुकानें विविध प्रकार के हस्तशिल्प, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, खिलौनों से भरी हुई दिखती हैं। फिलहाल इस बार इस मेले का आयोजन 30 अक्टूबर से शुरू हुआ है और समापन 8 नवंबर को होगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।